घाट, पूजा अर्चना, खाना पीना, इन सब के साथ वाराणसी के आजू बाजू कई सारी ऐसी जगह है जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। अगर आप वाराणसी गए हैं या जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि ये सारी जगह भी जाना बनता ही है। यहाँ पर एक म्यूजियम है जहाँ पर 6,832 स्कल्पचर्स रखे गए हैं। जिसमें सारनाथ में से निकली मूर्तियों के अलावा चार शेर वाला ओरिजिनल अशोक चक्र भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप अगर वाराणसी आते हैं तो सारनाथ जरूर आइए, और सारनाथ आते हैं तो इस म्यूजियम को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम है। सारनाथ म्यूजियम के बाजू में ही सारनाथ का मुख्य स्तूप है। कहा जाता है कि इस जगह पर गौतम बुद्ध ने पहली बार धर्म पढ़ाया था। ये स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाए थे ऐसा माना जाता है। म्यूजियम देखने के बाद उसके बिल्कुल बाजू में ये सारनाथ की दूसरी जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला सरमन, अपना पहला उपदेश इसी जगह से दिया था। तो म्यूजियम के बाद इस जगह को देखना भी मत भूलिएगा। यहाँ एक जगह है जहाँ अशोक स्तंभ था। सारनाथ या हिरण पार्क, जहाँ कई एशियाई देशों द्वारा उनकी स्थापत्य शैली का अनुसरण करते हुए संग्रहालय और बौद्ध मंदिर बनाए गए हैं। अति शांतिपूर्ण और उदात्त, सारनाथ विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन संरचनाओं जैसे धम्मक स्तूप, अशोक स्तंभ, चौखंडी स्तूप और धर्मराजिका स्तूप को भव्यता से पेश करता है। श्रीलंकन मंदिर सारनाथ, यहाँ दीवार पर बनाए गए चित्र द्वारा भगवान बुद्ध का जीवन दर्शाया गया है। थोड़ी ही दूरी पर जापानी मंदिर है। यहाँ दो सुंदर मूर्तियां हैं। चीनी मठ या चीनी बौद्ध मंदिर, ये वाराणसी में सारनाथ चौक के पास बना है। इसकी स्थापना 1939 में युटले यू, एक चीनी भिक्षु और विद्वान द्वारा की गई थी, जो शांति की तलाश में यहाँ आए थे। मंदिर में बहुत ही सुंदर वास्तुकला है।
अंदर जाते ही आपको आश्चर्यजनक चीनी डिजाइन और हरे भरे लोन आपका स्वागत करते दिखेंगे, जिसमें चमकीले पीले प्लेटफॉर्म पर भारतीय प्रतीक दिखेंगे। मंदिर को क्लासिक तिब्बती रंगों में चित्रित किया गया है और लाल चीनी लैंप यहाँ को और सुंदर बनाता है। वाराणसी में घूमने के लिए सुंदर स्थानों में से एक है शिवली वियतनामी बुद्ध मंदिर या गुलाबी मंदिर। सारनाथ का एक नया एडिशन है। यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति है, जिसे भारत में सबसे सुंदर बुद्ध की मूर्ति के रूप में वर्णित किया जाता है। ये मंदिर मुख्य सारनाथ परिसर से दूर है और बहुत से लोग इस जगह के बारे में नहीं जानते। इस मंदिर का निर्माण करने वाले भिक्षु ने एक सपना देखा और निर्माण शुरू करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति बेच दी। चौखंडी स्तूप ये सारनाथ के मुख्य स्तूप से थोड़ी ही दूरी पर बना हुआ है। चौथी से छठवीं शताब्दी के बीच में निर्मित ऑक्टागोनल आकार में बना ये स्तूप देखने लायक है। यहाँ के लोकल्स इसे सीता की रसोई भी कहते हैं। रामनगर फोर्ट जाने से पहले 3 किलोमीटर पहले ये दुर्गा मंदिर आता है। जरूर जाइएगा क्योंकि वहाँ जो नक्काशी है वो शायद ही आपको कहीं देखने और मिलेगी। तकरीबन 500 साल पुराना दुर्गा मंदिर रामनगर फोर्ट से पहले आता है, जो काफी सुंदर है। मंदिर के सामने बने कुंड में स्नान का अलग महत्व है, ऐसा माना जाता है। रामनगर फोर्ट गंगा नदी की दूसरी तरफ बसा रामनगर किला एक रेड सैंडस्टोन से बना किला है। ये 18वीं शताब्दी का स्मारक बनारस के राजा का पैतृक घर है और इसके भीतर एक मंदिर और एक संग्रहालय है। मुगल काल की संरचना को दर्शाते हुए रामनगर किला भव्यता और असाधारण स्टाइल की एक शानदार तस्वीर है। बाबा सिद्धनाथ की दरी रामनगर फोर्ट से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर मॉनसून के दौरान ये काफी सुंदर वॉटरफॉल देख सकते हैं। मिर्जापुर से 35 किलोमीटर और वाराणसी से 40 किलोमीटर की दूरी पर चुनार का किला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में चुनार शहर में स्थित एक प्राचीन किला है।
चुनार गांव से गुजरते हुए सुंदर चिनाई मिट्टी से बनी वस्तुएं खरीद सकते हैं। चुनार फोर्ट। इस वक्त हम चुनार फोर्ट आए हैं। कहते हैं कि ये राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि के लिए बनवाया था। बाद में बहुत सारे राजाओं ने यहाँ राज भी किया है। काफी सारी कहानियां हैं। फिलहाल हम किले के अंदर चलते हैं, मैं आपको एंट्रेंस दिखा देती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं किले में और देखते हैं कि अंदर और क्या क्या देखने लायक है। चुनार किले की स्थापना उज्जैन के राजा महाराजा विक्रमादित्य ने अपने भाई राजा भर्तृहरि के लिए की थी। ये वाराणसी के आसपास घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। आला खान के अनुसार राजा सहदेव ने इस किले को अपनी राजधानी बनाया और 1029 एडी में इसका नाम नैनगढ़ रखा गया था। चुनार पहली बार तब प्रसिद्धि में आया जब पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ अपना किला स्थापित किया। 1525 एडी में मुगल शासक बाबर का शासन था और फिर शेरशाह सूरी ने किले पर अधिकार कर लिया। 1575 एडी में अकबर ने इस किले को दोबारा बनवाया और फिर ये 18वीं शताब्दी में अवध के नवाबों के पास गया। अंत में 1772 एडी में इसे अंग्रेजों ने हथिया लिया और भारत की आजादी तक हथियारों और मिसाइलों के गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया। गंगा नदी के किनारों पर बसा ये किला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। 34,000 स्क्वायर फीट में फैला किला एक ठोस संरचना है जो चट्टान पर खड़ा है और विंध्य रेंज का एक अलग हिस्सा है। खड़ी ढलान के कारण चट्टानी किला व्यवहारिक रूप से अभेद्य है। चुनार हिल जाने वाला रास्ता छोटी पहाड़ियों से गुजरता है। किले के परिसर में भर्तृहरि की समाधि, सोनवा मंडप, हैंगिंग प्लेस प्रमुख आकर्षण है। राजा विक्रमादित्य द्वारा अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक कुएं का निर्माण भी किया गया था, जो इस कुएं का उपयोग वध के लिए करता था। किले से एक भूमिगत सुरंग भी है जो रायगढ़ और विजयगढ़ को जोड़ती है, जो कि अब बंद कर दी गई है। अपनी एक अलग गति और रीतियों के साथ वाराणसी हमेशा हर किसी को आकर्षित करता है।